kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you the comparison of fractions with same numerators. ठीक है, आज हम लोग उन fractions को compare करना सीखेंगे जिनके numerators same होते हैं. ठीक है, denominator same वाला fraction हमने देख लिया था last time. अब हम लोग जिनका numerator same होता है उनको देखेंगे. विद एग्जाम्पल लाइक हमारे पास में टू फ्रैक्शंस हैं, 2/5 and 2/7. हमें इनको कंपेयर करना है कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा ग्रेटर है. कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को नोट डाउन करेंगे. इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर है 7. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर सेम होता है उनके अंदर हम लोग कंपेरिजन करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स के थ्रू. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास में ग्रेटर है वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉल फ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो इनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये इस तरीके से नोट डाउन होंगे. ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा और 2/7 वाला जो फ्रैक्शन है वो स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारे जो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे. तो मैं राइट कर देती हूँ, टू फ्रैक्शंस, टू और मोर फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमेरेटर, सेम न्यूमेरेटर, वन हैविंग स्मॉल डिनोमिनेटर, स्मॉल डिनोमिनेटर is greater fraction, greater fraction. ठीक है, हमारे पास में टू जो फ्रैक्शंस है जिनका न्यूमरेटर हमारे पास में सेम है उनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनके जो डिनोमिनेटर्स है उसमें जो स्मॉल डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो हमारा स्मॉल फ्रैक्शन होगा. ठीक है, अब इनको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना देख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है हमें राइट करना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की तरफ, और अगर डिसेंडिंग में राइट करना होता है तो हम लोग ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की तरफ राइट डाउन करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, अरेंज द फ्रैक्शंस, अरेंज द फ्रैक्शंस, the fractions in ascending order, ascending order. आपको यहाँ पे कुछ fractions given होंगे उनको आपको ascending order में arrange करना है. Fractions है 4/5, 4/9, 4/7, 4/6 and 4/11. ठीक है, आपको ये कुछ fractions given है, इन fractions को आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा है. सबसे स्मॉल फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर है. इसमें से देख लेते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर किसका है, 4/11 वाले का. ठीक है, देन 4/11, इससे ग्रेटर कौन सा है फ्रैक्शन, 4/9, इससे ग्रेटर है 4/7, फिर है 4/6, देन 4/5. ठीक है, इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया कि ये जो फ्रैक्शंस है वो इस तरीके से अरेंज है. ठीक है, सबसे स्मॉल और सबसे ग्रेटर. ठीक है, तो इनका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से राइट डाउन कर देंगे हम लोग, 4/11, 4/9, 4/7, 4/6, 4/5. ठीक है, ये इनका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर. तो अगर हमारे पास में कहीं पर भी इस तरीके से फ्रैक्शंस गिवन हो जिसका न्यूमेरेटर सेम होता है तो उनका हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर राइट कर सकते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास में इसका अपोजिट साइड होगा, जैसे 4/5 पहले होगा, इसके बाद में 4/6, 4/7, 4/9, 4/11. ठीक है, इस तरीके से हम लोग टू फ्रैक्शंस जिनका न्यूमेरेटर सेम होता है उनको कंपेयर भी कर सकते हैं और ऑर्डर्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक
फ्रैक्शंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको इरेज कर रही हूँ। लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो सारे फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, वो वाले फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/5, 1/5, 4/5 etc. और भी ऐसे हो सकता है जिनका डिनोमिनेटर 5 होता है, वो सारे फ्रैक्शंस हमारे कैसे होंगे? लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, मींस जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक, और जिनका सेम नहीं होता है वो अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी? द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहां पे हमारे पास में न्यूमरेटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऑनली हमारे पास में डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक होंगे, अदरवाइज अनलाइक होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/7, 8/9, 11/13 एटसेट्रा। कोई भी फ्रैक्शंस जिनका हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, अलग अलग डिनोमिनेटर होता है, वो अनलाइक फ्रैक्शंस, और जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग राइट डाउन करते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को। अब इनके थ्रू क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमारे पास में, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको आपके पास में, राइट 4 लाइक फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 15। आपको यहाँ पे 4 लाइक फ्रैक्शंस राइट करने हैं जिनका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कैसे राइट करेंगे? कोई भी फ्रैक्शन राइट कर दो, 1/15, 3/2/15, 7/15, कोई भी फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं हम लोग, 25/15। ठीक है, हमें 4 ही राइट करना है तो हम कुछ भी फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारा सॉल्यूशन राइट डाउन करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड किस तरीके से किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस
लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड किया जाता है। एडिशन का जो आंसर आता है उसको क्या बोला जाता है? सम। तो द सम ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस? एंड ऑल द न्यूमरेटर्स, ऑल द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन रीराइट करते हैं वन टाइम के लिए और जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/5 + 2/5 + 4/5, आपको क्या करना है? इनको ऐड करना है। एडिशन के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में एज इट इज सबका एक साथ में राइट कर लेती हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, अब इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कीजिए 3 + 2 + 4। ठीक है, इट मीन्स आपको सिर्फ इसके न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट करना है। मैंने इन सबको राइट कर दिया, यहाँ पे एड भी करके शो कर दिया। एडिशन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9/5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को आपने क्या कर लिया? यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसी फ्रैक्शन को नंबर 9 को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और किस तरीके से ऐड करेंगे नंबर 9 को यूज करते हुए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस के लिए हम लोग कोई भी नंबर 9 यहाँ पे राइट करते हैं। इसी फ्रैक्शन को मैं समझा देती हूँ, इसी एडिशन को नंबर 9 पे एक्सप्लेन करके शो कर देती हूँ। ठीक है, नंबर 9 पे जिस तरीके से हम लोग होल नंबर्स के लिए तो होल नंबर्स राइट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, लेकिन जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनके लिए हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू ही राइट करेंगे हमारी नंबर 9 को। इस तरीके से एक नंबर 9 होती है आपके पास में, एक्स वाई, कुछ भी नेम दे सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक्स वाई की जगह ए बी कोई भी नेम हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास में 0 होता है, 0 के बाद में यहाँ पे 1 होता है, तो 1 की जगह हम लोग क्या राइट कर देंगे? 1/5, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। इस तरीके से हमारे पास में कोई भी नंबर है उसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, एडिशन हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं उसका। ठीक है, ऐड करते हैं। पहले क्या है हमारे पास में? 3/5, इसके अंदर हमें 2/5 और ऐड करना है। 2/5 का मतलब है 2 और आगे चलेंगे हम लोग, इसके 2 न्यूमरेटर्स और आगे चलेंगे, तो 3 के बाद में 4, 5। ठीक है, 5/5 पे आ गए हम लोग। पहले हमारे पास में क्या है? 3/5, उसमें हमें 2/5 और ऐड करना है। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे कि 2/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे 2 नंबर्स ही आगे जाएंगे, जो न्यूमरेटर है उतने नंबर हम लोग आगे जाएंगे। कितना है? 2, तो 1, 2, 2 नंबर्स हम लोग आगे आए हैं, कितना हो गया? 5/5। उसके बाद में क्या है? 4/5, तो हमें 4 टाइम्स आगे जाना है। ठीक है, देन 1, 2, 3, 4, कितना आ गया हमारे पास में? 9/5। तो इस तरीके से हम लोग उनको नंबर 9 पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देती हूँ कि जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड करना तो हमने सीख लिया कि उनके न्यूमरेटर को वन टाइम के लिए हमें नीचे नोट डाउन करना है और जितने भी न्यूमरेटर्स है हमारे पास में उन सबको राइट ऐड करके यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अब अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है,
और अगर ये हमारे पास में एडिशन फिगर्स में होता है, लाइक फिगर्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। लाइक हमारे पास में एक तरीके से एक फिगर बना हुआ है, इसके हमने फाइव पार्ट्स किए हुए हैं, ये फाइव पार्ट्स इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं सारे, ठीक है। तो इन पार्ट्स में हमने कुछ पार्ट्स को कलर कर रखा है, इस पार्ट को कलर कर रखा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स का नेम राइट करते हैं, नेम राइट कर, ये कितना है 1/5, ये टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, उसमें से हमने 1 पार्ट लिया है। इस पार्ट को अगर मैं राइट करूं तो ये कितना हो जाएगा 1/5, और अगर इस वाले पार्ट को राइट करूं तो ये भी कितना हो जाएगा 1/5, इन सबको ऐड करना है प्लस प्लस, टोटल कितने हो गए 1/5 1/5 1/5 1 + 1 + 1 / 5, एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है, इक्वल टू 1 + 1 + 1 = 3/5। इट मीन्स इसके अंदर अगर हम लोग शेडेड पार्ट फाइंड करें तो शेडेड पार्ट कितना है 3/5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी फिगर के थ्रू भी हमारे एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमारे पास में सेम कंडीशन है कि हम हमारे जो न्यूमरेटर्स गिवन है सिर्फ उन्हीं को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस कैसे हमारे लाइक फ्रैक्शंस, तो डिफरेंस बिटवीन टू लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर, आपका जो डिनोमिनेटर है वो, और ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, हमारे जो न्यूमरेटर्स है दोनों फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमें ये चीज ध्यान रखना है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा उसको पहले राइट डाउन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 2/7 फ्रॉम 5/7, यह हमारे पास में लिखा हुआ है, मीन्स दोनों का हमारे पास में डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है 7/7, ठीक है। हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि हम लोग मीन एंड मेड, मीन्स जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको कौन सा राइट करेंगे, तो जो फ्रॉम के बाद में नंबर आता है वो हम पहले राइट डाउन करेंगे, 5/7 - 2/7। अरेंज करने के बाद में डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका, डिनोमिनेटर 7, अब हमें इनके जो न्यूमरेटर्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 2, 5 में से हम लोग क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3/7, कितना आ गया हमारा आंसर 3/7। और अगर मैं इसी सब्ट्रैक्शन को हमारी नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करूं तो नंबर 9 पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये एक नंबर 9 है हमारे पास में, इस तरीके से यहाँ पे है 0, अब हमारा डिनोमिनेटर कितना है 7, तो हम लोग हमारे फ्रैक्शन पे इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7
ठीक है, इस तरीके से आगे भी और हो सकता है, लेकिन हमें जहां तक नीड है हम लोग सिर्फ उतना ही राइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, 5/7, तो हम लोग 5/7 को सर्कल कर लेते हैं या फिर पॉइंटेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2/7, इट मीन्स 2 times हमें बैक आना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 times बैक आते हैं हम लोग 1, 2, इस पे आ गए हम लोग 3/7 पे, और जब हमने इसका डिफरेंस फाइंड किया था तब भी हमारे पास में क्या आंसर आया था, 3/7, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 3/7। इस तरीके से हम लोग नंबर 9 पे भी हमारा जो सब्ट्रैक्शन है उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस से किसी दूसरे एग्जांपल के थ्रू, जैसे कोई फिगर है हमारे पास में, उस फिगर में हमें पार्ट फाइंड करना है कोई, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, फिगर के अंदर आपके पास में कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन 6 में से इन्होंने 4 जो पार्ट्स हैं उनको शेडेड कर रखा है। ठीक है, कितने पार्ट शेडेड है, 4 parts। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/6। ठीक है, हमने इतने पार्ट्स को क्या कर रखा है, शेडेड पार्ट है, शेडेड। अब हमें इसमें से 1/6 जो शेडेड पार्ट है उसको हटाना है। ठीक है, क्या करना है, 1/6 यानी कि 1 जो शेडेड पार्ट है उसको हटाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1/6 शेडेड पार्ट फ्रॉम इट, हमें इसके अंदर से 1/6 जो शेडेड पार्ट है उसको हटाना है। देन फाइंड द डिफरेंस, हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, इतनी समय को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग राइट करेंगे डिफरेंस इज इक्वल्स, टोटल पार्ट्स कितने थे शेडेड, 4/6, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1/6। आंसर फाइंड करते हैं, 6 हमारा शेडेड पार्ट एज इट इज रह जाएगा, सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो 4-1=3/6, कितने शेडेड पार्ट रह जाएंगे, अब हमारे पास में 3 शेडेड पार्ट रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारा जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू।